टिकट काटते रहे और मुझे पता ही नहीं है कि टिकट कट रहे और टिकट पे कार्यक्रम है। और लोगों को ऐसे गुमराह करते रहे और उसमें नुकसान ये हुआ कि 4 स्कॉर्पियो लोगों ने जला दिए। क्योंकि इन लोगों ने गुमराह जनता को भी किया और मुझे भी किया। नेपाल के सुनसरी जिले के बुरुस्ताल में बुरुस महोत्सव के अंतिम दिन मंगलवार को बिहार के भोजपुरी सुपरस्टार कलाकार तथा गायक खेसारी लाल यादव का कार्यक्रम था, जिसको लेकर आयोजक बुरुस सामुदायिक विकास केंद्र ने व्यापक प्रचार प्रसार किया। सुपरस्टार कलाकार को देखने के लिए स्थानीय सुबह से ही जुटने लगे। सुपरस्टार खेसारी लाल के नाम पर आयोजकों ने 300 टिकट भी बेचा हुआ था। अंतिम समय में खेसारी लाल यादव कार्यक्रम में उपस्थित न होने के कारण से जनता आक्रोशित हो गई, स्टेज का तोड़फोड़ किया एवं जो भी गाड़ी था उस पर भी आगजनी कर दी। यहां बता दें कि कोविड को देखते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन ने इस कार्यक्रम पर रोक लगा दी थी, जिसको लेकर खेसारी लाल यादव को विराटनगर के अस्तिका होटल में ही रोक दिया, उन्हें कार्यक्रम स्थल नहीं जाने दिया गया। इस संबंध में गांव पालिका वार्ड 6 के वराध्यक्ष विनोद कुमार चौधरी ने बताया कि कार्यक्रम में खेसारी लाल यादव के नहीं पहुंचने पर क्षेत्र में तनाव व्याप्त हो गया था। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर बने स्टेज सहित वहां पर मौजूद 4 गाड़ियों में आक्रोशित लोगों ने आग लगा दिया है। गुस्साए लोगों ने कुर्सी एवं स्टेज सब तोड़ दिए। टिकट काटते रहे और मुझे पता ही नहीं है कि टिकट कट रहे और टिकट पे कार्यक्रम है और लोगों को ऐसे गुमराह करते रहे और उसमें नुकसान ये हुआ कि 4 स्कॉर्पियो लोगों ने जला दिए। इसमें मैं पब्लिक जनता को मैं बिल्कुल दोष नहीं बोलूंगा क्योंकि इन लोगों ने गुमराह जनता को भी किया और मुझे भी किया। तो आपको आपका कहना है कि जो भी हुआ आयोजक की तरफ से आयोजक हाँ आयोजक अगर मुझे सुबह ही बता दिया होता कि भैया यहाँ परमिशन नहीं है, प्रशासन हम आपको नहीं दे सकते, तो इसमें प्रशासन का भी कोई रोल नहीं है भाई। प्रशासन अब मैं यहाँ आया 8 बजे 9 बजे मैं पहुंचा, 9 बजे पहुंचने के बाद 10 बजे मैं रेडी होकर बैठ गया, जैसे निकलना चाहा पूरी प्रशासन पूरे होटल को घेर लिया गया कि आप कार्यक्रम करने जा ही नहीं सकते। तो मैं प्रशासन को तोड़ के तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ, ये इंडिया तो है नहीं, ये बिहार तो है नहीं, यूपी तो है नहीं। अब प्रशासन बोल रहा है कि आप जा ही नहीं पाओगे, आपको नहीं जाने देंगे हम क्योंकि वहां पे कोई व्यवस्था नहीं है, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो भाई उसका जिम्मेदार तो हम पे आ जाएगा। जो प्रशासन नेपाल की प्रशासन निकम्मा है और नेपाल की प्रशासन ने खेसारी लाल यादव को सुरक्षा नहीं दिया तो हम अपने पे रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए आप यहां से नहीं जा सकते। और मैं अभी वही कपड़ा पहन के बैठा हूं सुबह से, अभी खाना तक मैंने नहीं खाया कि कितने लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी। मेरे जितने भी बंदे वहां थे कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसको चोट नहीं लगी है, सबको चोट लगी है क्योंकि पब्लिक को कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव चाहिए था और मैं उसी के लिए आया भी था, इसमें मेरी कोई गलती आयोजक ने एक शब्द अभी तक जो मेन आयोजक है अभी तक मिलने नहीं आया मेरे से। क्या नाम है भैया उनका? क्या नाम है उनका? शरवण जी। शरवण जी अभी तक मिलने तक नहीं आए। पीयूष के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।